वेलकम टू गाइस माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरे पास जियो का हैक हैंडसेट आया हुआ है, जियो लाइफ। तो गाइस इस फ़ोन में एक नया प्रॉब्लम है, इसको ऑन करते हैं तो ऑन नहीं होता है, और इसको जब चार्जिंग में प्लगिंग करते हैं तो चार्जिंग एम्पेयर मशीन में ये प्रॉपर 60 एम्पेयर लेता है, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे चार्जिंग लोगो भी शो करता है, और इसको जो है चार्जिंग में ऑन करते हैं तो ये फ़ोन जो है कंप्लीट ऑन होता है, और उसके बाद जैसी इसमें से हम चार्जिंग को रिमूव करेंगे तो ये हैंडसेट ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम के फ़ोन को किस तरह से ठीक करना है आज की इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ोन कम्प्लीट अभी ऑन हो रहा है, और जैसी मैं इसका चार्जिंग यहाँ से रिमूव करूँगा ये फ़ोन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद जो है इसको वापस से जब चार्जिंग में प्लगिंग करेंगे तो फिर ये ऑन होएगा, और उसके बाद जो जैसे इसका चार्जिंग रिमूव करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो और ये विदाउट चार्जिंग का ऑन नहीं होता है, कभी कभी ये ऑन भी होता है तो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होने लगता है। तो ऐसे प्रॉब्लम के फ़ोन को किस तरह से ठीक करना है आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। कोई भी हैंडसेट हो जिसमें ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ या ऑटोमेटिक ऑफ या चार्जिंग प्लगिंग करने से सिर्फ ऑन हो रहा है, या जो है फ़ोन ऑन होने के बाद भी यूट्यूब पे जा रहे हैं तो फ़ोन ऑफ हो जा रहा है, उसके बाद कॉलिंग आ रहा है तो भी ये ऑफ हो जा रहा है, तो ऐसे प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो इसका जो प्रॉब्लम होता है गाइस ये एकदम सिंपल प्रॉब्लम होता है। तो पहले जो है इस फ़ोन को मैं चार्जिंग प्लगिंग करके हमारे बैटरी कनेक्टर के पास प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं ये चेक करना होगा। तो मैं इसमें जो है चार्जिंग प्लगिंग करके मीटर से आप लोग को चेक करके भी दिखा देता हूँ। इसमें जो प्रॉब्लम होता है ये हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें सिंपली जो ये प्रॉब्लम होता है ये हमारी बैटरी का प्रॉब्लम होता है। तो जो है यहाँ पर मैं फ़ोन को चार्जिंग कनेक्टर के पास चार्जिंग वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते गाइस यहाँ पर जो है हमारा प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, 450 की रेंज हमें यहाँ पे शो करना चाहिए तो ये प्रॉपर अभी शो कर रहा है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है ये हमारी बैटरी का प्रॉब्लम है, चाहेंगे तो गाइस आप इसकी बैटरी को रिप्लेसमेंट कर देंगे तो भी ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस इस बैटरी को रिपेयर भी किया जाता है, एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है जिसके कारण फ़ोन रिस्टार्ट होने लगता है और चार्जिंग प्लगिंग करने के बाद ही ऑन होता है। कई प्रॉब्लम होते हैं जो मैं आप लोग को बताया हूँ, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं फ़ोन में। तो वापस से इसकी बैटरी में कनेक्ट करके आप लोग को कंप्लीट अभी फ़ोन को जो है चेक करके दिखाता हूँ इसमें जो प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम कोई भी हैंडसेट में होते हैं, वीवो ओप्पो एमआई कोई भी हैंडसेट हो जिसमें प्रॉब्लम हो कि चार्जिंग प्लगिंग करने से फ़ोन ऑन होता है और चार्जिंग जैसे रिमूव करते तो फ़ोन ऑफ हो जाता है, या फ़ोन ऑन होने के बाद ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो रहा है, या फ़ोन चालू होने के बाद आप यूट्यूब पे कोई सॉन्ग सुनने जा रहे हैं तो फ़ोन बंद हो जा रहा है, या हमारे फ़ोन में कॉलिंग जब आता है तो ऑफ़ हो जाता है फ़ोन, या वीडियो कॉलिंग आता है तो ऑफ़ हो जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम के फ़ोन को किस तरह से ठीक करना है इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चार्जिंग अभी इसमें प्लगिंग किया हूँ और इसको जो है अभी ऑन किया हूँ, ये फ़ोन कम्प्लीट ऑन होएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कम्प्लीट फ़ोन ऑन है, और जैसी इसमें से चार्जिंग को हम रिमूव करेंगे ये फ़ोन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, और फिर इसे ऑन करेंगे तो ये रिस्टार्ट होएगा या तो फिर ऑन नहीं होएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये फ़ोन में प्रॉब्लम हमारे नहीं होता है, इसमें जो प्रॉब्लम आता है ये हमारे बैटरी का प्रॉब्लम आता है। आप चाहेंगे तो इसकी बैटरी को रिप्लेसमेंट कर देंगे तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है गाइस हम इस बैटरी को रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बैटरी जो है कंपनी का लगा हुआ है और कंपनी की बैटरी जो है काफ़ी अच्छा चलता है। इसको जैसे कस्टमर ने कहा है कि इसे रिपेयर करना है, आपको बैटरी रिप्लेसमेंट नहीं करना है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आता है यहाँ पे छोटा सा एक देखेंगे तो एक हमारा कैपेसिटर होता है, ब्लैक कलर का होता है, जिसपे ऑलमोस्ट अलग अलग हैंडसेट आते हैं तो उसमें अलग अलग नाम रहता है, जिसको हम CLK रजिस्टर भी बोलते हैं या CLK कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक ब्लैक कलर का सिंपल सा थोड़ा सा बड़ा सा कैपेसिटर होएगा, जिसको आपको इसे निकाल के भी आप आपस में इसे शॉर्ट करना है, या तो नहीं भी निकालेंगे तो भी इसे जो है आपको शोल्डर से जो है
इसे आपस में सॉर्ट कर देना है, सिर्फ सॉर्ट करना है आपको, बाकी कुछ इसमें नहीं करना है। अगर आप चाहेंगे तो इसे निकाल के भी आप सॉर्ट कर सकते हो, या ये लगा भी रहेगा तो भी आप इसको जो है सॉर्ट कर देना है। कोई भी वायर लेना है और इसे आपस में सिर्फ सॉर्ट कर देना है, मतलब एक जम्फर मार देना है, दूसरे को एक दूसरे से अटैच कर देना है। तो यहाँ पे जो है मैं इसे निकाल भी नहीं रहा हूँ, उसे सिर्फ जो है एक जम्फर मारूँगा आपस में, कैपेसिटर को सॉर्ट कर दूँगा और ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। कोई भी हैंडसेट हो गाइस जिसमें ये प्रॉब्लम आता रहे, जो प्रॉब्लम मैंने आप लोग को बताया हूँ इस वीडियो में, तो सिंपली जो है इसको सिर्फ मैंने आपस में सॉर्ट कर दिया हूँ। और सॉर्ट करके इसे अच्छी तरीके से, जिस तरह से आपने इसे ओपन किया था उसी तरीके से आपको इसको फिटिंग करना है, कहीं ये बैटरी के ग्राउंड में अटैच नहीं होना चाहिए, और ये प्रॉब्लम आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। जो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट या चार्जिंग प्लगिंग करने से फ़ोन हो तो ऑन होता है, और उसके बाद चार्जिंग इसे रिमूव करते ही ये ऑफ़ हो जाता है। कोई भी हैंडसेट हो, इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको जियो लाइफ का ही हैंडसेट हो, कोई भी हैंडसेट हो जिसमें ये प्रॉब्लम हो। तो जो है अभी ये मैंने आपस में सॉर्ट कर दिया, और इसमें देख सकते हैं मैंने इसमें चार्जिंग नहीं प्लगिंग किया हूँ तो भी ये फ़ोन ऑन हो रहा है, कंप्लीट ऑन होएगा और 100% भी ऑन होएगा ये, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम रहता है वो डाइवर्ट ख़राब हो जाने के कारण जो है फ़ोन ऑटोमेटिक ऑफ और रिस्टार्ट प्रॉब्लम होने लगता है, और चार्जिंग प्लगिंग करने से ऑन होता है और चार्जिंग रिमूव करने के बाद ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विदाउट चार्जिंग का ये फ़ोन कंप्लीट अभी ऑन हो चुका है। और इस तरह गाइस ऑलमोस्ट कोई भी हैंडसेट के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इस तरह डेली आप लोग को नोटिफिकेशन वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।